जर्नैल सिंह जिंदाबाद, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर 4। हम इसमें ऐसे करते हैं, अब देखिए सबसे पहले जो मैं बताऊंगा वर्क एंड एनर्जी के ऊपर, पहले ये बात देख लीजिए। आप यहां बैठे बैठे, जैसे मैं बैठे बैठे, अगर मान लीजिए कि अभी 7 घंटे हो गए होंगे पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में उसको वर्क मानते ही नहीं है। मैंने इस हैंकी को यहां से यहां तक कर दिया, इसको वर्क माना जाए, ठीक है, और इसको यहां से वहां तक करने में जो भी ऊर्जा खर्च हुई उसी को एनर्जी कहते हैं। ये कितना छोटा सा मामला है ना। अब इसी को देखिए ना किस तरह से पेचीदा बनाएंगे। अब देखिए, व्हेनेवर अ फोर्स मेक्स अ बॉडी मूव, जब भी आप ताकत लगा के किसी भी चीज को मूव करते हैं, एक जगह से उसके प्लेस को चेंज करते हैं, ठीक है, देन वर्क इज सेट टू बी डन, तो कहा जाता है कि काम हुआ है। फॉर डूइंग वर्क एनर्जी रिक्वायर्ड, भैया काम करेंगे तो कुछ ना कुछ ताकत चाहिए ना। अब हमारे हाथ में ऐसी शक्ति नहीं हो, 3 हफ्तों से खाना नहीं खाया तो हैंकी क्या, हमारा तो हाथ भी नहीं लेगा, है कि नहीं। सो वर्क इज डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूस मोशन, इसका मतलब क्या हुआ, काम तभी होगा जब फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा कोई भी मोशन या गति पैदा की जाएगी। जब तक आप फोर्स लगाओगे नहीं, मोशन होगा क्या, मोशन हो ही नहीं सकता। बिना फोर्स का किसी भी तरह का मोशन नहीं, और बिना मोशन का कोई वर्क माना ही नहीं जाएगा, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरे जगह कर रहे हो, इसका मतलब उसको मोशन दे रहे हो ना, और इस मोशन को देने के लिए फोर्स लग रहा है। तो क्लियर बात ये हो गई कि वर्क इज डन, काम तभी हुआ माना जाता है जब फोर्स कोई मोशन प्रोड्यूस करता है या कोई गति पैदा करता है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को, आई ओके। जैसे आप देख सकते हैं, व्हेन एन इंजन अप्लाइज फोर्सेस ऑन अ ट्रेन, द ट्रेन मूव्स, सो वर्क इज सेड टू बी डन बाय द इंजन। इंजन काम कर रहा है, इंजन ने फोर्स लगाया, इंजन का जो पावर लगा, एनर्जी लगी, और उसके द्वारा क्या हो, मूवमेंट हुई, सारे रेलवे कोचेज को खींच के लेके चलता है वो। अब घोड़े गाड़ी की बात करें तो घोड़ा गाड़ी अपना मस्कुलर फोर्स लगाता है और फोर्स के चलते मोशन होता है। गाड़ी अगर मान ली, गाड़ी पे आप यहाँ बैठेंगे, आपको क्या कहते, भवाना गिरा जाएगा, है कि नहीं बात। तो द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, काम हुआ है किसी भी ताकत, फोर्स या बल के कारण किसी बॉडी पे, तो ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना ज्यादा ताकत आपने लगाया है, जितना ज्यादा ताकत लगाओगे उतना ही ज्यादा मूवमेंट, उतना ही ज्यादा मोशन, तो वर्क भी उतना ही ज्यादा। और दूसरा, डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी मूव्स, और कितनी ज्यादा दूर तक वो डिस्टेंस मूव हुई है। अगर आप मान लीजिए किसी चीज को हाथ से पकड़ के धकेलते धकेलते लेके चल रहे हैं, तो लंबा फोर्स लग गया, आगे तक बढ़ा, और किसी चीज को एक छोटा सा धक्का देंगे तो जब तक फोर्स मिला होगा जाके रुक गया गाड़ी। तो देख सकते हैं, वी कैन नाउ डिफाइन वर्क एज फॉलोज, वर्क डन इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, आधा इस चैप्टर में मोशन से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे मूवमेंट उसी डायरेक्शन में होगा। जितना फोर्स लगाएंगे उसी के रेशियो या उसी के अनुपात में वर्क होगा, मतलब उतना ही ज्यादा मूवमेंट भी होगा, ठीक है। जितना ज्यादा लगाएंगे उतना ज्यादा मूवमेंट, और जितना कम लगाएंगे उतना ही कम मूवमेंट। सो क्या कर सकते हैं, सिंपल फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस निकल जाएगा। डब्ल्यू क्या बेटा, डिस्टेंस। सो वर्क के लिए, वर्क डन के लिए हम लोग कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे, और फोर्स के लिए कैपिटल एफ, लेकिन डिस्टेंस के लिए स्मॉल एस, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, स्मॉल एस, ठीक है। व्हेन अ बॉडी इज मूव्ड ऑन द ग्राउंड बाय अप्लाइंग अ फोर्स, देन द वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। अगर मान लीजिए कोई चीज जमीन पे रखी है, ठीक है, और जमीन पे रखे हुए चीज को आप फोर्स दे रहे हो,
तो आपको पता है जमीन पे चीज रखी है तो उसपे है ना अर्थ की के पे रखे होने के कारण ग्राउंड का फ्रिक्शन भी लग रहा है, और आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। कोई चीज स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है, आपको पढ़ाया था मैंने फ्रिक्शन चैप्टर में, फ्रिक्शन के कारण ही ये टेबल स्टेबल है, बिल्कुल इसी तरह हिल नहीं रहे। और यहीं पर अगर मान लो ऐसी जगह हो कि बिल्कुल उसमें फ्रिक्शन ही नहीं हो, जीरो फ्रिक्शन हो जाए तो कोई चीज खड़ी नहीं हो सकती, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड पे रखी है और आप उस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, इस इट मींस आप फ्रिक्शन के अगेंस्ट में फोर्स लगा रहे हो, ठीक है ना, विच अपोजिस द मोशन ऑफ द बॉडी। और फ्रिक्शन पता ही है आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के मोशन को के खिलाफ काम करते हैं। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क इज इक्वल टू एफ इनटू एस, कुछ भी कर सकते हैं। डिस्टेंस जो होगा ना उसको डिस्प्लेसमेंट भी कर सकते हैं। तू का एहसास छोड़ रहा है, का दिक्कत, लेता कम है ज्यादा सांस छोड़ता है। यहां देखेंगे इन द डिस्कस ऑन वर्क वेदर वी यूज द टर्म डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इट विल मीन द सेम थिंग। क्लियर कर रखा है, आपसे अगर डिस्टेंस लिखा जाए या डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। चलिए नहीं, हम लेकिन वर्क एंड एनर्जी की बात कर रहे हैं तब, और कहीं भी की बात नहीं हो रही इस सेंस में। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, ठीक है। तो यूनिट ऑफ वर्क की अगर बात करें, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस, ठीक है। वर्क क्या है? प्रोडक्ट फोर्स और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट है वही वर्क है। सो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। फोर्स का क्या होता है? एसआई यूनिट न्यूटन, और आपको पता है डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर। सो द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, विच इज रिटन एज कैपिटल एन स्मॉल एम। कैपिटल एन रेफर्स टू न्यूटन विच इज अ यूनिट ऑफ फोर्स, एंड कैपिटल एम इज द रेफर्स टू मीटर। स्मॉल एम की बात करें, मैंने कैपिटल बोल दिया क्या? कैपिटल एन न्यूटन के लिए और स्मॉल एम मीटर के लिए, जो कि डिस्टेंस के लिए। क्लियर है? व्हेन अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन मूव अ बॉडी मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इन इट्स ऑन डायरेक्शन, देन द वर्क डन इन इज नोन एज वन जूल। सो वन जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, या 1 जूल लिखो या 1 एनएम लिखो, दोनों बराबर है। अब हम एनएम नहीं लिखते हैं, जूल लिखते हैं। तो वर्क का अब एसआई यूनिट आपको जूल याद रखना है, पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ नहीं, कैपिटल जे, कैपिटल जे लिख सकते हैं। सो तो आपको ये समझ में आया होगा कि जूल कैसे बना है, दोनों का प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। और यहाँ जूल मतलब कि वर्क को डिफाइन कर रहा है, तुम्हें समझ में आ रहा है? फिजिक्स की बुक बेटा कहाँ है आपकी? इनके पास है। आपकी फिजिक्स की बुक कहाँ? इसकी वाली कहाँ? अच्छा बेटे, साइंस का आप लोग पास जितना भी बुक होगा ना, हर दिन सारा बुक लेके आइएगा, और कंटिन्यूअसली अभी साइंस ही चल रहा है, ठीक है। और जिन बच्चों को फोन में चाहिए पूरी बुक ला सकते हैं, केवल डाटा केबल ले आएंगे, मैं दे दूंगा। बेटा एक छोटा सा है ना पेन ड्राइव आता है, बहुत सस्ता, उसमें चाहे कितनी बुक डाल के रख दो, पूरी जितनी भी जिंदगी भर की बुकें सारी डाल दो, और एक ओटीजी केबल फोन से कनेक्ट कर, जिसको पढ़ना है बस वो केवल एक 100-150 MB की बुक कर लो और फिर डिलीट कर दो, वो पेन ड्राइव में पड़ा हुआ। हाँ किसी ने सोचा ही नहीं। आपके पास किताब की कोई दिक्कत ही नहीं, सारे पारा पारी ले जाओ एक दो। सो द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई? तुम बताओ, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई? बिल्कुल, बिल्कुल। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी जो नापी जा सकती, वेक्टर क्वांटिटी जो नापी जा सकती। क्लियर है आप लोग को? तो आप लोग तो ज्ञानी है, हम तो मैंने ऐसे ही
चेक कर रहे थे बस टेम्परेचर। बिना मोशन के बेटे साइंस है ना, अगर मोशन नहीं तो साइंस नहीं, मोशन नहीं तो फिजिक्स नहीं, साइंस है। हाँ ये सही कह सकते हो, फिजिक्स बिल्कुल, गति ही जीवन का नियम। देखिएगा, it should make the object move through some distance. If, however, the distance moved is zero, then the work done on the object is always zero. अगर कोई भी object की movement zero है, कुछ भी movement नहीं हो रही, इसका मतलब work zero. आप भी zero work ही करते हैं। ये science मेरे घर पे मत पढ़ा दीजिएगा, नहीं तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा। कि सच में कुछ काम नहीं करता है क्या? बच्चे क्या कहते हैं? अच्छा response नहीं दे रहे हैं। तो सबसे ज्यादा वर्क बेटे कौन कर रहा है? रिक्शा चलाने वाले, यहां से वहां आदमी खींच के ले जाते हैं। ऑफिस में बैठने वाले तो बस वही है, कुछ है ही नहीं, साइंस मानता ही नहीं, वो है भी माइंड में ट्रांसफर हो गया। बायोलॉजी मान भी ले कि जान चल रही है, साइंस वाले तो मानते हैं, फिजिक्स वाले मर गया। रॉकेट में डाल के भेज सकते हो तो आदमी है, नहीं तो नहीं है। देखेंगे, a man may get completely exhausted in trying to push a stationary wall, but since there is no displacement, the work done by the man on wall is zero. आप दीवार पे धक्का देते रहो, ठीक है? 6-7 साल की उम्र से स्टार्ट करो, जब तक मरो नहीं तब तक धक्का देते रहो, ठीक है? और दीवार अगर खिसकी नहीं, मतलब कि पूरी जिंदगी आपने कुछ किया है, और सच में नहीं किया, दीवार को धक्का कौन देगा, पागल? A man standing still at a bus stop with heavy suitcase in his hand may get tired soon, but he does not work in this situation. क्यों हाथ में लेके क्यों खड़ा रहेगा? रख दे जमीन पे यार, इतना भारी, पागल है अगला। चलो ठीक है, मान लीजिए कि आपने है ना चावल का कट्टा आपने है ना सर पे उठा रखा है और बस स्टैंड पे बस का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? तो आप चाहे सुबह से शाम तक वो कट्टे को सर पे रख के खड़े रहो, लेकिन अगर आप वहां से अगर थोड़े से भी हिल गए और दूसरा आदमी है ना यहाँ से वहां तक क्या कहते हैं पान बीड़ी लेने चला गया, तो वो काम कर लिए, लेकिन जो आदमी सर पे लेके खड़ा है उसने कोई काम नहीं। हाँ, लेकिन नाच आपको है ना ऐसा पोज करना होगा डांस का जिसमें है ना यहाँ से वहां जाना पड़ेगा, यानी कि एक ही जगह गोल गोल घूमेंगे तो वो डांस नहीं। बिल्कुल, छलांगे मारिए दूर दूर तक। ओके, स्टूडेंट तो और भी बिल्कुल भी नहीं, साइंस के हिसाब से सुबह में एक बार दोपहर में यहाँ आता हूँ और यहाँ से फिर वहां जाता हूँ, तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ साइकिल की दुआ से। सही है, नाइस वन। वर्क वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मैं आपको सच बताऊं, दुनिया वाले कुछ भी समझो, मैं मानता भी नहीं, कुछ करता हूं मैं, ये तो मतलब ये तो लाइफ है अपनी, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, कुछ काम नहीं ऐसा। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो मैं अपने स्टूडेंट लाइन, सो व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर आप ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई काम करते हैं, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। अच्छा एक बात बताओ, ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप काम कैसे कर सकते हैं? तुम बताओ। हाँ, ये इसलिए इसको मैं बिठाता हूँ और कुछ भी सुनता है तो नहीं रोकता हूँ। ग्रेविटी नीचे खींचती है, हम ऊपर की ओर जाएंगे। बिल्कुल सही जवाब। यहाँ व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट ग्रेविटी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड द वर्टिकल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉडी इज लिफ्टेड। हम अर्थ की ग्रेविटी को यहाँ लेके चल रहे हैं। मैं जो सुनना चाहता था मैंने सुन लिया। हाँ बिल्कुल, आप जैसे मान लीजिए कि अगर जंप भी मारते हो, ऊंची छलांग मारते हो, ऊपर की ओर उछलते हो, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। सो आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी के ऊपर, तो ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज अ बॉडी ऑफ मास m, स्मॉल m, इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड थ्रू द डिस्टेंस h,
small h. In this case, the force required to lift the body will be equal to the weight of the body. Okay, a small m into small g, where m is a mass and g is a acceleration due to gravity. Now, work done in lifting a body is equal to weight of body into vertical distance. Board pe dekhna. Orange dena. Saja Akbar Sahid. ग्रीस लग गया उनपे. क्या बेटा? देखिए, सो वर्क डन इन अ लिफ्टिंग बॉडी, अगर आप किसी चीज को ऊपर की ओर उठाते हैं, लिफ्ट करते हैं, पर्दे हटा दिए बेटे साहब, अगर किसी चीज को ऊपर की ओर आप लिफ्ट करते हो, इसका मतलब जो वर्क होगा इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी, किसी भी चीज को जिसको ऊपर उठा रहे हैं उसका वेट कितना है, और इनटू वर्टिकल डिस्टेंस की कितनी ऊंचाई तक आप उठा रहे हो. बस आ जा, नहीं तो तू एक और कांच ले जाएगा. सो डब्ल्यू इक्वल टू एम स्मॉल एम इंटू स्मॉल जी इंटू एच. तो यहाँ स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड स्मॉल एच is the height through which the body is lifted. Clear hai? Aap logo ko book mein dikhi raha hoga. Jaldi. Mera haath dikhna chahiye tujhe bas. Do minute hai tere paas. Iska matlab shaktiman mat ban jaiye sadak cross karte samay. सिंपल प्रॉब्लम दो है, इससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ. बेटे आपको कैसे दिखेगा इसमें? नहीं हो पाएगा, रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा. वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक्विली, इसका मतलब सो फार वी हैव कंसीडर्ड ओनली दैट केस ऑफ वर्क इज डन द बॉडी मूव्स इन अ डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस. पढ़ता ठीक है बेटा? ना ना, समय तो रोके रख लेंगे हम लोग. साबुन किसका चाहिए? मेरा. ये पर आते हो सारे बाहर. ये हर तरफ से उठा है, क्यों दिख रहा है? अच्छा मेरा फोन ही उठा रखा है क्या? अभी सुन अब होगा. नहीं यार, हर बार उठा है. मेरी आंखों में दूसरे सच में ऊपर ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स नहीं करा सकते, बाद में करेंगे. इसे देखिए, In many cases, the movement of the body is at an angle to the direction of the applied force. ठीक है? बहुत आप लोगों ने है ना, पुरानी कार जो हो जाती थी छोटे बच्चों की, उसमें रस्सी बांध के खींचते हुए देखा होगा बचपन में. मैंने ऐसे पराक्रम भरे कार्य बहुत सारे किए. ब्लेड नहीं होता, ब्लेड सेविंग वाला, तो उसका है ना एक टीन का डब्बा आता है, ठीक है, जिसमें दुकानदार के पास, जिस दुकानदार ने हम लोग को दिया ना, उसका ढक्कन गोल गायब कर दिया और उसके नीचे डंडी लगा दी, दो डंडी, और उसमें मिट्टी के है ना पहिए बना करके लगा दिए, और उसके ऊपर जो हम लोग है ना कराला कंझावला पीतमपुरा कंझावला पीतमपुरा किया है कि तुम लोग क्या बताए. अच्छा वाला नहीं, चलो ठीक है. जो है
मैं ये कह रहा था, आप लोग को ये पिक्चर दिख ही रही होगी बच्चे वाले, टॉय कार है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की ओर है रस्सी, और डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे की ओर है, ठीक है, दिख रहा है? When a child pulls a toy car, the toy car moves on the horizontal ground. OX, ठीक है, अब इससे ज्यादा मैं नहीं घुमा पाऊंगा, ये तो हमें नहीं दिखेगा। एक बच्चा टॉय कार को खींच रहा है, तो O से X तक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है OX, और ये जो OA है ये अप्लाइड फोर्स है अलोंग द स्ट्रिंग एट द एंगल ऑफ थीटा डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बच्चा जो रस्सी ऊपर की ओर खींच रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? थीटा, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और ये है डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई खींचेगा तो ऊपर की ओर फोर्स लगाया बच्चे ने धरती खींचते हुए रस्सी, और वो गाड़ी बढ़ेगी ऊपर की ओर थोड़ी बढ़ेगी, वो तो जमीन पे ही बढ़ेगी ना, ये है कॉन्सेप्ट। सो दिस फोटोग्राफ शोज अ चाइल्ड पुलिंग अ टॉय कार। अब स्ट्रिंग को देखें तो स्ट्रिंग बच्चे के ऊपर हाथ में है, उसने धागा पकड़ रखा है। किस जमाने का खेल खेल रहे हो, दुनिया बदल गई, पबजी खेलो। This string or is at an angle to the horizontal surface of ground. The child applies the pulling force to the toy car along this string. सारा बात क्यों कहा गया? अब देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। आखिर क्यों मुझे 80 साल पहले का गेम दिखाया गया? सब धोखा खाता है। In such a case, we cannot use the formula W is equal to F into S. अगर इस तरह का अगर work done हो रहा है, तो इसमें हम वो formula नहीं लगा सकते। Work is equal to force into displacement या direction। हम ये नहीं लगा सकते। इसमें क्या लगाएंगे? To calculate the work done because the distance moved S is not exactly in the direction of force applied. Force applied हो रहा है ऊपर की ओर और गाड़ी बढ़ रही है जमीन के साथ नीचे की ओर, ठीक है ना? तो यहां पर वो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में तो मोमेंट हो नहीं रही, कॉन्सेप्ट अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला फॉर वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। रस्सी खींच रहा है तो एक एंगल बन रहा है ना थीटा का, तो जब कभी भी अप्लाइड फोर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स कोई एंगल बना रहा हो, ठीक है, तब हम लोग वर्क निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? उसके लिए W is equal to F cos theta into S, जो एंगल बन रहा है। फोर्स अप्लाइड जो हुआ, हम लोग ने वर्क का फॉर्मूला F into S किया था, F अप्लाइड फोर्स था और S डिस्प्लेसमेंट, तो S तो ठीक है लेकिन F cos थीटा हम लोग लगा देंगे, उससे पता चलेगा। और ये कैसे होगा? थीटा का मतलब एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की ओर, ठीक है, ऐसे अगर देखें तो ऊपर की ओर रस्सी खींच रहा है, वो दिया रहेगा। ऐसे चलो का फिर बेटा वर्क हो जाएगा ना, निकम्मा मास्टर चल जाएगा तो फिर वर्क हो जाएगा ना, फोर्स एफ इनटू एस हो जाएगा, और फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अभी है ना ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे ना कि सर में दर्द हो जाएगा, पंगा मत लिए मेरे से। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये दिख रहा है ना, दिखेगा कैसे? लिखेगा तब तो दिखेगा। मान लीजिए कि कार है, पता नहीं कैसी कार है, तो अगर खींचेंगे तो ये इधर की ओर बढ़ेगा और बच्चा है ये इसके हाथ में, तो ये जो खींच रहा है तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ना थीटा डिग्री, इस एंगल के बारे में बात कर रहा है, एफ कॉस थीटा। कान से कौन खींचता है? अब वो उसमें डिग्री डाल देंगे हैं? नहीं बेटे, सर ने बाल ये बनाए।
तो वो किससे मिल रहा है? पुराने मास्टर से, टकलू मास्टर से नहीं। देखिएगा, तो ये आप कॉन्सेप्ट समझे, ये डिग्री आपको दिया हुआ रहेगा, फोर्स अप्लाइड जो है ना, जितना भी कॉस थीटा डिग्री जो दिया रहेगा थीटा, वो आपको दिया रहेगा, तो हमको फोर्स की जगह वो अप्लाई करना है, ठीक है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री बस जल्दी दर्शन होंगे ना, दीदी बताएंगी। एक उसमें जो एक है ना सेकेंड टर्म में, मतलब वो तो बेटे मैं समझो ना कि ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा दिया आपने, और पहले वाले में थोड़ा सा, दीदी से पूछो, दिस मीन्स दैट व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज परपेंडिकुलर, डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो रहा है टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नो वर्क इज डन। जैसे मैं आपको बताऊं, कहा जाए वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स एट अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब समझे क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूं। सपोज दैट अ मैन कैरिंग सूटकेसेस स्ट्रिक्टली हॉरिजॉन्टली डज नॉट वर्क इन रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी। आप अपने सर के ऊपर, ठीक है, चाहे कितने भी सूटकेस, कट्टे, ईट, पत्थर, जामुन, ठोकला, पापड़ी, कुछ भी ढो, अगर आपने सर के ऊपर रखा है, मतलब कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट में आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, चाहे उतना भारी चीज को कितना भी दूर ले जाओ। लेकिन एक छोटा सा पीपनी टाइप बालक 250 ग्राम की गाड़ी खींच रहा और रस्सी बांध के, तो बेटे वो वर्क कर रहा है, फिजिक्स बोलता है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट में काम कर रहा है, ठीक है? और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई भी काम नहीं, पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, आप पीछे ले जाएंगे तो फोर्स किधर लगाया आपने, पीछे की ओर आगे की ओर, पीछे की ओर लगाया ना, तो जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया हुआ, हाँ काम होगा बिल्कुल। धरती बहुत काम करती है, देखो सुबह से राउंड 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 राउंड, और तुम लोग घर में पड़े हुए खा के, फिजिक्स उन्हीं के लिए बना है। मुझे भी नहीं आजकल पता चल रहा है कहाँ है, मैंने तो कितने सालों से नहीं देखा मैंने उसको, मैंने कम से कम मान लो कि 1-1.5 महीने तो हो गए उसके दर्शन, मैंने तो देखा ही नहीं उसको, घर पे रहा करो बेटे, ये डायलॉग उसको चिपका दे। देखेंगे, when the displacement of the body is perpendicular, अगर आप किसी चीज को ऊपर की ओर सेम एकदम परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री अगर डिस्प्लेस करते हो टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, नो वर्क इज डन, इसका मतलब आप कोई भी काम नहीं करते हैं। हेलो हेलो लिया बेटा, कहां गुस्से में है, मरे तुमको। देखिए, वर्क डन व्हेन द फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस सिचुएशन में आपको मैंने 3 सिचुएशन बताए, आप जमीन पे किसी चीज को पुश कर रहे हो, धक्का दे रहे हो, काम हो रहा है, तो W इज इक्वल टू F इनटू S। दूसरा मैंने बताया कि अगर आप कोई चीज ऊपर की ओर रस्सी की तरह खींच रहे हो और गाड़ी चल रही है नीचे की ओर ग्राउंड की तरफ, तो W इज इक्वल टू F इनटू cos थीटा इनटू S डिस्प्लेसमेंट। और इस सिचुएशन में जब किसी चीज को आप परपेंडिकुलर ऊपर की ओर लिफ्ट करते हो अगेंस्ट द ग्रेविटी, इससे लिफ्ट कर रहे हो, तो यहां पे जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, माइनस एफ इंटू एस, और वाई ये भी तो माइनस एफ, क्यों वो तो उससे पूछिए जिसका है ना खून सूख गया सूटकेस ढोके। If the force acts opposite to the direction of motion of a body, then the angle theta between the direction of motion and the direction of force is 180 degree. Straight angle बन जाएगा ना बिल्कुल। आप लोग क्या मैं ये छोटे बच्चों की बात, आप लोग कोई नहीं।
तो बस समझ जाओ ना, फिजिशियन का सर और ईट भट्टे वालों की ईट दे तड़ातड़ उसी में झोंक दे, ले खाता रहा ईट जीवन भर, तेरी अस्थियों से ईट पकाएंगे, देखेंगे। सो इन दिस केस द कॉम्पोनेंट ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी बिकम्स माइनस एफ, सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज, इट इज ऑब्वियस दैट द वर्क डन बाय द फोर्स इन दिस केस इज नेगेटिव, नेगेटिव है पता ही आपको, इसीलिए ऐसा किया गया। दिस मीन दैट व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी मूव्स देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज नेगेटिव। भाई बॉडी तो अपोजिट साइड में जा रही है, आप उसको अपोजिट साइड में करो, उसका तो कोई रिलेशन है नहीं एक दूसरे से, तो क्या होगा, फोर्स तो नेगेटिव ही लग रही है, इसलिए हम लोग माइनस एफ रखें। पॉजिटिव नेगेटिव एंड जीरो वर्क, अब तीन तरह की बात हुई हमने, यहां तीन चीज देखी, या तो वर्क पॉजिटिव होगा, या तो वर्क नेगेटिव होगा, और नहीं तो काम कुछ नहीं होगा, जीरो होगा बिल्कुल। वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, जिधर आप फोर्स लगा रहे हो उसी तरफ अगर मोशन हो रहा है और वर्क हो रहा है तो उसको पॉजिटिव वर्क कहेंगे, ठीक है। दूसरा, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन अ फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, बॉडी का मोशन जिधर हो रहा है आप फोर्स उसके अगर अपोजिट लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसको नेगेटिव वर्क कहेंगे। मैं तीन एग्जांपल के द्वारा भी समझाऊंगा आपको। अब सीधे मंगल ग्रह की बात आई है, सैटेलाइट तक पहुंच गए हम लोग। और तीसरी बात, वर्क डन इज जीरो व्हेन अ फोर्स एक्ट्स अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी, अगर राइट एंगल बना रहा है तब भी, तब जीरो माना जाए। देखो एक फुटबॉल है, बुक में फुटबॉल है, देखिए एक फुटबॉल है, फिगर नंबर 14 में इमेजिन करिए, आपने उसको किक किया, डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ बढ़ा तो पॉजिटिव वर्क, एक फुटबॉल था, द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल, सो द वर्क डन इज नेगेटिव इन दिस केस। अब आपने क्या किया कि एक फुटबॉल है रखिए, अब अगर उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, मोशन आगे की तरफ था और फ्रिक्शन पीछे की ओर लग रहा था, तो फुटबॉल जैसे ही रुक जाएगी तो हम उसको फिर नेगेटिव वर्क हो जाएगा ना। द फोर्स एक्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फुटबॉल, सो द वर्क डन इज नेगेटिव इन दिस केस। फ्रिक्शन के चलते जो चीज रुक जाती है, ठीक है, फ्रिक्शन वाला फोर्स किधर हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव वर्क माना जाएगा। जो आप पूछ रहे हो ना, आपका ये क्वेश्चन किसी ने सोचा होगा तभी ये पूरे के पूरा सैटेलाइट लॉन्च करने, जितने भी रॉकेट जो लॉन्च होते हैं ना, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, समझ रहे हैं ना बात को, साइंटिस्ट है सारे बच्चे यहाँ पे, 200 साल बाद हमारे नजर में वैज्ञानिक हो तो दुनिया क्या होता है, हम कंझावला में रहेंगे दुनिया की बात करेंगे, बेटे बताओगे तो पता चली जाएगा।